चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन, जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है उसमें आगे इसमें क्या दे रखा हुआ है उसमें, तो यहाँ बोला मेसर्स एक्स हैज टू डिपार्टमेंट, जिसमें ए बी दो डिपार्टमेंट यहाँ पे दे रखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, तो यहाँ पे प्रिपेयर करना है कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट। हम लोग को कंसोलिडेट करके एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है दोनों को मिला करके, और एक अलग से भी डिपार्टमेंट का हम लोग क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2000, 31 दिसंबर है 2021 का, यहाँ पे हम लोग को बनाना। अब देखिए एक तो सिंपली हम लोग को क्या करना है कि जो डिपार्टमेंट ए होता था बी होता था इससे पहले वाले जैसे सम्स में करते थे वैसे बनाना है, और एक में कंबाइंड करके मतलब दोनों डिपार्टमेंट को मिला करके हम लोग को यहाँ पे बनानी है, ठीक है। जिसमें डिपार्टमेंट वन दे रखा ए ए दे रखा है, उसके बाद बी दे रखा है, इसमें सबसे पहले दे रखा है ओपनिंग स्टॉक जहाँ पे कंसिस्टिंग ऑफ परचेज गुड्स एट कॉस्ट, मतलब परचेज गुड्स है यहाँ पे और जिसे कॉस्ट पे वैल्यूएशन किया गया है, तो हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक गिवेन है। फिर परचेज हम लोग के पास गिवेन है, फिर यहाँ पे हम लोग के पास सेल्स गिवेन है, फिर हम लोग के पास वेजेस गिवेन है, और उसके बाद हम लोग के पास कैरेज गिवेन है, ठीक है। तो ये हम लोग के पास ट्रेडिंग अकाउंट का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हो गया। आगे सब में क्या बोला कि क्लोजिंग स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में सबसे पहले परचेज वाला गुड्स का दे रखा हुआ है और उसके बाद फिनिश वाला गुड्स का हम लोग के पास दे रखा हुआ है। मतलब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे ध्यान दीजिए ओपनिंग स्टॉक में तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम लोग किस तरह से करते थे, तो हम लोग कॉस्ट पे करते हैं। किस पे वैल्यूएशन करते हैं, हम लोग कॉस्ट पे करते हैं, और कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर पे हम लोग नॉर्मली करते हैं, ठीक है। अब जो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग के पास है इसमें जो परचेज किया गया था उस वाले गुड्स में से हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक है कुछ, और कुछ जो प्रोसेस किया जाएगा मतलब जो प्रोसेस करके एक नया फिनिश गुड्स जब बनाएगा तो उस फिनिश वाले गुड्स का भी हम लोग के पास यहाँ पे स्टॉक दे रखा हुआ था, दो तरह का हम लोग के पास दे रखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए परचेज गुड्स ट्रांसफर, तो यहाँ पे जो परचेज किया गया था गुड्स वो ट्रांसफर किस तरह से हुआ था, सबसे पहले यहाँ पे बी से हो रहा है ए को ट्रांसफर, मतलब देखिए बी जो है बी ट्रांसफर किसको कर रहा है, ए को ट्रांसफर कर रहा है, मतलब ए के पास ये गुड्स क्या हो रहा है आ रहा है। जैसे गुड्स आता था मतलब एसेट आता था हम लोग क्या करते थे, डेबिट करते थे, ये तो आप लोग को याद है ना। एसेट जब हम लोग आता था, देखिए जो भी हम लोग के पास एसेट होता था प्लस में हम लोग के पास एक्सपेंस होता था, या हम लोग के पास क्या होता था एक्सपेंस हो गया एसेट हो गया और उसके बाद लॉस हो गया, तो ये सब बढ़ने से हम लोग क्या करते थे डेबिट करते थे, और इसका जस्ट अपोजिट लाइबिलिटी हो गया, फिर गेन हो गया लाइबिलिटी हो गया, प्लस में हम लोग के पास प्रॉफिट हो गया और एक हम लोग के पास और था इनकम था, ये सब जब बढ़ता था हम लोग क्रेडिट करते थे। अब ध्यान दीजिए जब देखिए सम्स में क्या बोला कि ट्रांसफर हुआ कैसे, तो बी यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है किसको, ए को, तो ए के पास यहाँ पे तो गुड्स आ रहा है, तो ए के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे कितना लिखेंगे 10,000, तो ये समझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। फिर यहाँ पे देखिए और उसके बाद इसका अपोजिट भी हम लोग करेंगे क्योंकि बी के पास से तो यहाँ पे चला गया ना, तो जब बी के पास से चला जाएगा तो बी के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे, तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। यहाँ पे देखिए एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे बी ट्रांसफर करता है ए को, तो हम लोग क्या करेंगे, तो जब बी ट्रांसफर करेगा ए को तो ए के पास सबसे पहले आया तो ए के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे, और बी के पास से गया तो बी के क्रेडिट साइड में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो दोनों ही साइड में हम लोग लिख देंगे इसे। फिर इसी तरह से जब ट्रांसफर ए करता है बी को तो बी के पास आया तो बी के डेबिट साइड में लिखेंगे, और ए के पास से चला गया तो ए के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे, ये हो गया। फिर फिनिश गुड्स के बारे में बोला कि फिनिश गुड्स ट्रांसफर हुआ, तो फिनिश गुड्स में यहाँ पे ए से बी को ट्रांसफर कर रहा है, ए ट्रांसफर किसको किया बी को, तो यहाँ पे बी के पास आ गया और ए के पास से चला गया, तो जब आया तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे बी के, और किसके पास से चला गया तो ए के पास से चला गया, तो ए के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे। फिर नेक्स्ट जो हम लोग के पास देखा कि बी टू ए, तो बी टू ए का मतलब क्या हुआ कि बी ए को ट्रांसफर कर रहा है तो ए के पास आ गया तो ए के डेबिट साइड में लिखेंगे, बी के पास से चला गया तो बी के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर यहाँ पे यही गुड जो था ये जो डिटेल मतलब जो फिनिश गुड्स यहाँ पे जो ट्रांसफर हुआ था उसमें से रिटर्न ऑफ द फिनिश गुड्स जो ट्रांसफर ये 35,000 हुआ ना, या कुछ भी जो हम लोग के पास यहाँ 40,000 ट्रांसफर हुआ ना, तो उसमें से क्या बोला कि जो ट्रांसफर हो गया था पहले एक बार यहाँ पे ट्रांसफर हो गया था, अब ट्रांसफर होने के बाद वो क्या कर रहा है रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कौन कर रहा है, तो यहाँ पे ए ट्रांस यहाँ पे बाय ए टू बी, मतलब ए रिटर्न कर रहा है किसको बी को, तो बी के पास से फिर से आ जाएगा गुड्स, तो हम लोग बी के डेबिट साइड में लिखेंगे और ए के पास से चला गया मतलब ए के हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसी तरह से बी जब ट्रांसफर करेगा किसको बी को देगा, मतलब बी जब रिटर्न करेगा ए को तो ए के पास गुड्स आ जाएगा तो ए के डेबिट साइड में लिखेंगे, और बी के पास से चला जाएगा तो हम लोग बी के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जैसे हम लोग सम्स में यहाँ पे फॉर्मेट बना करके लिखूंगा तो उस टाइम में आप लोग को समझ में आ जाएगा, बट एक बार के लिए यहाँ भी आप लोग समझ लीजिए। तो ये हम लोग किए हैं। अब यहाँ देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, यू आर इन्फॉर्म दैट परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर म्यूचुअली एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट परचेज कॉस्ट, तो जो परचेज गुड्स था तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें क्या बोला कि जो परचेज गुड्स था उसे कॉस्ट पे ही ट्रांसफर किया गया, तो जब कॉस्ट पे ट्रांसफर किया जाता है तो उसमें हम लोग के पास अनरियलाइज प्रॉफिट का तो कोई बात ही नहीं होता, तो हम लोग के पास ये वाला चीज हो गया। आगे देखिए एंड फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स के बारे में क्या बोला, तो फिनिश गुड्स में क्या बोला कि एट डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस एंड दैट 20% ऑफ द फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन एट ईच डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिव फिनिश गुड्स रिसीव फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट। तो ये देखिए जो परचेज गुड्स था क्या था, यहाँ पे जो परचेज गुड्स था उसे किस कहाँ कैसे ट्रांसफर किया जाता था, तो इसे यहाँ पे
कॉस्ट के बेसिस पे ट्रांसफर किया जाता, मतलब जो परचेज गुड्स था उसे जो भी ट्रांसफर किया गया था या रिटर्न किया गया था उसे कॉस्ट गुड्स पे यहाँ पे, मतलब जो भी उसका कॉस्ट था वो डिपार्टमेंट के जो जो भी कॉस्ट आता था उस कॉस्ट पे यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता था। बट जो यहाँ पे फिनिश गुड्स है, जो कौन सा गुड्स है, फिनिश गुड्स, इस फिनिश गुड्स पे कॉस्ट तो लेगा ही, प्लस में यहाँ पे क्या रिकवर कर रहा है, 20% और भी रिकवर कर रहा है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्लस 20% है, तो कॉस्ट प्लस 20% में यहाँ पे फिनिश गुड्स को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये जो 20% होगा, ये 20% क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनरियलाइज प्रॉफिट। तो इसका कैलकुलेशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वो किस तरह से हम लोग इस डिपार्टमेंट अकाउंट में इसका कैलकुलेशन करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बट सिंपली अभी जो हम लोग के पास है, जो डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जो डिपार्टमेंट ए हो गया, डिपार्टमेंट बी हो गया, वो तो सिंपली ईजी है, वो तो बहुत ही ईजी है ना, उसे हम लोग सबसे पहले बनाते हैं। और उसके बाद जो हम लोग बनाएंगे, जो कंबाइंड बनाएंगे कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट, तो उस केस में हम लोग बनाएंगे। और जब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालेंगे, बस एक वो आप लोग को आइटम समझना है, बाकी तो आप लोग को खुद ही हो जाएगा। तो चलिए, ये रहा कौन सा क्वेश्चन, तो ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो हम लोग सबसे पहले बनाते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट है डिपार्टमेंट का वो। तो ये आ जाइए आप लोग कौन से सम्स में, तो ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आ जाइए। ठीक है, इसमें दो डिपार्टमेंट हम लोग के पास था, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट ए हो गया और इसके बाद डिपार्टमेंट बी, इस यहाँ भी डिपार्टमेंट ए और यहाँ पे बी हो गया। ये है ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है जो डिपार्टमेंट ए और प्लस में बी का हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक, जो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20,000 है प्लस में कितना है 12,000, तो ये 20,000 12,000 को हम लोग लिख देंगे। 20,000 लिखिए और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 12,000, ये हम लोग के पास सिंपली क्या हो गया, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हो गया। उसके बाद हम लोग के पास परचेज गिवन है, तो यहाँ पे परचेज भी लिखिए, यहाँ पे लिखिए 2 परचेज, जो कितना गिवन है, तो 92 और 68, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 92,000 प्लस में यहाँ पे 68,000 का। अब नेक्स्ट जो हम लोग के पास है सेल्स, तो सेल्स में लिखेंगे हम लोग सेल्स, तो यहाँ पे लिखिए बाय सेल्स, यहाँ पे 140,000 और यहाँ पे 12,000, तो यहाँ पे 140,000 और यहाँ आ जाएगा 112,000। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास वेजेस हैं, जो 12,800, तो यहाँ पे 12,000 है और यहाँ पे 8,000 है, जो हम लोग के पास क्या दे रखा था वेजेस। वेजेस के बाद हम लोग के पास है कैरेज, जो 2,000 करके दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 कैरेज, जो दे रखा हम लोग के पास 2,000 और यहाँ पे भी दे रखा हुआ है 2,000 का। तो यहाँ तक तो हम लोग के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे चले लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, जिसमें हम लोग के पास दो तरह का स्टॉक है, एक परचेज गुड्स का दे रखा हुआ और एक फिनिश गुड्स का। तो यहाँ पे लिखिए परचेज्ड गुड्स का और दूसरा जो हम लोग के पास हो जाएगा ये क्या हो जाएगा फिनिश्ड गुड्स का। ठीक है, परचेज गुड्स में हम लोग के पास है 4,500 और 6,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,500 और यहाँ पे 6,000 और इसके जस्ट नीचे फिनिश गुड्स जो है उसमें हम लोग के पास दे रखा 24,000 और 14,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 24,000 और उसके बाद हम लोग के पास 14,000 है, तो 14,000 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हम लोग के पास सिंपली क्या हो गया, हम लोग यहाँ के यहाँ पे जो भी हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक परचेज वेजेस जो भी दे रखा था वो सारा का सारा यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब ट्रांसफर वाला बात देखिए, तो यहाँ पे ट्रांसफर वाला जब बात देखेंगे तो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है किस कब किससे किसको, तो यहाँ पे बी से किसको ट्रांसफर हो रहा है, ए को ट्रांसफर हो रहा है, बी ट्रांसफर किसको कर रहा है, ए को ट्रांसफर कर रहा है ना, तो बी ट्रांसफर कर रहा है ए को, तो ए के पास तो गुड्स आएगा, हम लोग लिखेंगे 2 ट्रांसफर फ्रॉम, किससे ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसफर फ्रॉम हो रहा है मतलब किसे, बी से, तो यहाँ पे बी से ट्रांसफर हो रहा है, किसको आ रहा है, ए को आ रहा है, जो ए को कितना आया, सिंपली लिखते हैं हम लोग ट्रांसफर लिखते हैं, क्योंकि बी और ए लिखेंगे तो हम लोग को दो दो यहाँ पे बनाना होगा, चलिए लिखते हैं 2 ट्रांसफर, ट्रांसफर बी यहाँ पे ट्रांसफर किसको कर रहा है, ए को, तो ए के पास तो गुड्स आ जाएगा, तो ए के पास गुड्स आ गया, तो हम लोग लिखेंगे ए के कॉलम में हम लोग के पास गुड्स बढ़ गया, इसमें तो कोई फल नहीं है, और किससे आया, बी से आया, तो बी के पास से तो कम हो गया ना, तो बी के हम लोग के पास से कम हो गया, तो यहाँ पे बी साइड में लिखेंगे जो कम हम लोग के पास हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ट्रांसफर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये तो हम लोग के पास फर्स्ट वाला हो गया जो परचेज गुड्स का दे रखा हुआ था। अब नीचे हम लोग के पास बोला कि ए ट्रांसफर कर रहा है किसको, बी को, तो बी के पास बढ़ जाएगा, जो कितने से बढ़ जाएगा 8,000 से, तो जैसे बढ़ेगा तो हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं ना, तो बी के साइड में बढ़ गया और ए से तो कम हो जाएगा ना, तो ए के हम लोग क्या लिख देंगे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, मतलब ए में कम हो गया जो था ना हम लोग के पास मास्टर फॉर्मूला, एसेट के बढ़ने से हम लोग डेबिट साइड में लिखते थे और यहाँ पे घटने से क्रेडिट साइड में, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे किए कि बाय ट्रांसफर जो किस कौन से गुड्स का, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ परचेज वाले गुड्स का, यहाँ पे लिख देता हूँ परचेज वाले
उस काम पे। ये हम लोग के पास पहला ट्रांसफर का हो गया। अब देखिए फिनिश्ड गुड्स का ट्रांसफर, तो हम लोग लिखेंगे टू ट्रांसफर, जो इस केस में किसका हो रहा है, तो यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स का हो रहा है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग बाय ट्रांसफर, जो किस कौन से गुड्स का हो रहा है, तो यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। कौन ट्रांसफर कर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे ए ट्रांसफर कर रहा है, किसको, बी को ट्रांसफर कर रहा है, मतलब बी के पास आ गया कितना आ गया 35,000 का, तो जब बी के पास 35,000 आएगा तो इसका गुड्स बढ़ जाएगा, तो 35,000 बी के पास आ गया। और ये कौन ट्रांसफर किया, तो ए ट्रांसफर किया, मतलब ए के पास से कम हो गया ना, ए के पास जब कम हो गया तो ए के हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि जब कम होता है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना, जब एसेट कम होता है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे किया। फिर नेक्स्ट जो हम लोग के पास है बी ट्रांसफर किया ए को, तो ए के पास आ गया 40,000, तो हम लोग लिखेंगे ए के साइड में 40,000, और जो बी के साइड में होगा बी के साइड से कम हो जाएगा ना, बी ट्रांसफर करा तो यहाँ पे बी में लिखेंगे 40,000। तो सिंपली हम लोग ये किए, जब रिटर्न हो रहा है यही बात, तो रिटर्न कौन कर रहा है, ए कर रहा है बी को, तो बी के पास गुड्स आ जाएगा, तो यहाँ पे बी के पास जब गुड्स आ जाएगा यहाँ पे लिखेंगे टू रिटर्न, जो कौन से गुड्स का हो रहा है, तो फिनिश गुड्स का, बी ट्रांस ए ट्रांसफर कर रहा है बी को, मतलब बी के पास आ गया कितना आ गया, तो 10,000, तो बी के पास जब आ जाएगा 10,000, तो बी में हम लोग लिख देंगे 10,000। फिर ए के पास से चला गया, तो ए में से हम लोग लिख देंगे 10,000, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय जो रिटर्न का दे रखा हुआ था जो फिनिश गुड्स का, तो यहाँ पे फिनिश गुड्स का। फिर नेक्स्ट जो हमके पास है 7,000, जो बी किया ए को ट्रांसफर, मतलब रिटर्न किया, बी किया किसको, ए को, तो ए के पास आ जाएगा 7,000, और बी के पास से यहाँ पे चला जाएगा, तो बी में हम लोग देखेंगे 7,000 चला गया। ठीक है, तो ये हम लोग सिंपली किए, जो नॉर्मली हम लोग के पास जो मास्टर वो होता था ना कि एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो यही बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ये चीज़ लिखे, और सिंपली इसे क्या कर देंगे, अब हम लोग क्लोज कर देंगे, और जो हम लोग के पास पहला काम हो जाएगा वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सिंपली इसे क्या करेंगे, क्लोज, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा हम लोग निकाल लेते हैं क्लोज करने के बाद। तो टोटल कीजिए सबसे पहले, तो यहाँ पे 140,000 प्लस 8,000 प्लस यहाँ पे 35,000 प्लस करेंगे 10,000 प्लस करेंगे हम लोग कितना 4,500, और यहाँ पे हम लोग के पास है 24,000, तो हम लोग के पास कितना आ गया 221,500, तो यहाँ पे चले लिखते हैं 221,500, यहाँ पे लिख देंगे 221,500। फिर हम लोग लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, जो बैलेंसिंग फिगर का क्या आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर के आ गया, इसमें से माइनस करेंगे 20,000, फिर माइनस करेंगे 92,000, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे 12,000, और यहाँ पे माइनस करेंगे 2,000, फिर माइनस करेंगे 10,000, फिर माइनस करेंगे 40,000, फिर माइनस करेंगे हम लोग 7,000, हम लोग के पास जो आ गया वो कितना आ गया था 38,500। इसमें कभी कभी लॉस भी आ जाता है, तो आप लोग पहले देख चेक कर लीजिएगा कौन से साइड बड़ा है, मतलब कौन से साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, तो उस हिसाब से आप लोग जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा आप लोग को लिखना है। ठीक है, मैं तो इरेज कर सकता ना, बट कॉपी में आप लोग तो इरेज नहीं कर सकते, तो पहले आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब बी वाले साइड में देखिए 1,12,000, फिर 10,000, 1,12,000 प्लस कर देंगे हम लोग 10,000, प्लस करेंगे यहाँ पे 40,000, फिर प्लस करेंगे 7,000, फिर हम लोग प्लस करेंगे 6,000, फिर करेंगे 14,000, हम लोग के पास कितना आ गया था 189,000 आ गया, तो यहाँ पे 189,000, यहाँ भी लिखेंगे 189,000, ये आ गया। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग, तो कितना माइनस करेंगे, तो माइनस कर दें 12,000, फिर माइनस कर दें हम लोग 68,000, फिर माइनस करेंगे 8,000, फिर माइनस करेंगे 2,000, फिर माइनस करेंगे 8,000, फिर माइनस करेंगे 35,000, फिर माइनस करेंगे 10,000, आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 46,000। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग के पास सिंपली आ गया, जो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग सबसे पहला बनाए वो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड बेसिस पे बनाएंगे, कंसोलिडेटेड मतलब दोनों को यहाँ पे ऐड करके बनाएंगे, उसमें क्या हो जाएगा, जो ट्रांसफर वाला पार्ट हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा, जो ट्रांसफर देखिए, क्योंकि एक का जो ट्रांसफर था दूसरे में तो आ रहा था, और जो दूसरा ट्रांसफर कर रहा था तो एक में आ रहा था, तो ये ट्रांसफर वाला बात वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और सिंपली हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट दोनों को मिला करके बना लेंगे, मतलब जैसे ओपनिंग स्टॉक होगा तो दोनों ही जो हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक है 20,000 प्लस 12,000, ये सबको ऐड करके हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे चले लिखते हैं कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें एक चीज़ हम लोग का होता है, जो स्टॉक रिजर्व होता है उसे हम लोग निकाल लेते हैं, मतलब जो अनरियलाइज प्रॉफिट होता है वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले, बट जहां तक सिंपल है वहां तक मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसके बाद हम लोग तो सीखेंगे ही। तो देखिए कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट ये है, क्या है, कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें सिंपली हम लोग लिखेंगे क्या था, ओपनिंग स्टॉक दे रखा था ना, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक जो कितना था दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 12 करेंगे तो हम लोग के पास 32,000 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 32,000 का। फिर हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ था, परचेज का दे रखा है ना, तो परचेज में 92 प्लस 68 कितना हो गया था, 92 प्लस में 68, तो ये आ गया 160,000, यहाँ पे टू परचेज जो कितना हो जाएगा 160,000 हो जाएगा, हम लोग सिंपली दोनों को ऐड करके लिख रहे हैं। फिर बाय सेल्स में, तो यहाँ पे बाय सेल्स
दोनों को टोटल करेंगे दोनों ही साइड का, तो यहाँ पे 140,000 प्लस में यहाँ पे 112, तो ये आ गया हम लोग के पास 252,000। तो यहाँ पे 252,000 का हम लोग के पास सेल्स आ गया। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है परचेज हो गया, वेजेस का लिखते हैं, तो वेजेस है 12,000 प्लस 8,000, तो ये आ जाएगा 20,000। तो यहाँ पे टू वेजेस जो कितना का आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 20,000 का। फिर नेक्स्ट है कैरेज जो आ जाएगा 4,000 का, तो यहाँ पे लिखे टू कैरेज जो कितने का आ जाएगा हम लोग के पास 4,000 का आ जाएगा। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास आ जाएगा वो आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, और हम लोग को ट्रांसफर को तो कुछ कंसीडर करना नहीं, क्योंकि जब एक यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है तो दूसरे के पास तो ट्रांसफर होकर के आ ही जा रहा है ना, और जब हम लोग दोनों को कंबाइन करके बना रहे हैं तो देखिए एक से दूसरे में ट्रांसफर हो गया तो दोनों तो कैंसिल हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट होकर के, तो ट्रांसफर को कुछ भी नहीं करना, बट बाकी जो भी आइटम था वो सारा लिख लिए। मतलब देखिए ओपनिंग स्टॉक हम लोग के पास हो गया, फिर परचेज हो गया, वेजेज हो गया, कैरेज हो गया, फिर हम लोग के पास ये हो गया ट्रांसफर को हम लोग को लेना नहीं, लेना नहीं, लेना नहीं है। फिर इस वाले ट्रांसफर को भी हम लोग को लेना नहीं, रिटर्न वाले को लेना नहीं, तो ये हम लोग के पास देखिए क्योंकि एक बार डेबिट हो रहा था एक बार क्रेडिट होता था, ये तो कैंसिल हो गया जा रहा था। अब बचा हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक को चलिए लिखेंगे, तो यहाँ पे चले लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, जिसमें हम लोग के पास यहाँ पे सबसे पहले है परचेस्ड गुड्स का, परचेस्ड गुड्स का दे रखा हुआ है, और उसके बाद हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, तो एक हम लोग के पास है फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड्स का परचेज गुड्स में हम लोग के पास कितना है टोटल, तो यहाँ पे 4500 प्लस 6000, यहाँ पे 4500 प्लस 6000 करेंगे तो हम लोग के पास आ गया 10,500। तो यहाँ पे 10,500 हो गया परचेज गुड्स का, और यहाँ पे फिनिश गुड्स का कितना हो गया, तो यहाँ पे 2400 प्लस कर देंगे 1400, तो हम लोग के पास आ गया 38,000 में था ना, 24,000 प्लस करेंगे हम लोग यहाँ पे 14,000, तो हम लोग के पास आ गया 38,000 का। ये हम लोग के पास कितना आ गया 38,000 का। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग के पास यहाँ पे मेन काम स्टार्ट होगा। जब हम लोग सिंपली बनाते थे अकाउंट तो उसमें हम लोग को अनरियलाइज प्रॉफिट को कुछ भी नहीं करना था, बट जब दोनों डिपार्टमेंट को हम लोग कंबाइन करके बना रहे हैं तो हम लोग के पास अनरियलाइज प्रॉफिट तो होगा ना, उस अनरियलाइज प्रॉफिट को तो हम लोग यहाँ पे निकालना है ना। तो टू स्टॉक रिजर्व, अनरियलाइज प्रॉफिट को तो हम लोग स्टॉक रिजर्व ही बोलते थे, और वो कैसे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पे नीचे देखना है, जो हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट करेंगे उस हिसाब से आप लोग को यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट जिसे हम लोग स्टॉक रिजर्व बोलते हैं वो हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोग, यहाँ पे आ जाएगा क्या, चलिए आ जाएगा, आ जाना चाहिए। ये रहा हम लोग के पास डिपार्टमेंट, सबसे पहले जो था वो था डिपार्टमेंट ए, और उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है उसके बाद हम लोग के पास क्या है डिपार्टमेंट बी। दो तरह का हम लोग के पास डिपार्टमेंट हो गया, एक डिपार्टमेंट ए प्लस में डिपार्टमेंट बी। तो सबसे पहले सेल कितना हो रहा है, इस दोनों डिपार्टमेंट का हम लोग सेल देख लेंगे। तो सेल हम लोग के पास जो था डिपार्टमेंट ए का और बी का, तो हम लोग के पास है 140,000 प्लस में 112,000, ये दे रखा हुआ है ना, यहाँ पे 140,000 लिख दीजिए, और उसके बाद जो हम लोग के पास है ये है 112,000। तो सबसे पहला हम लोग का जो काम हो गया वो क्या हो गया, सेल यहाँ पे लिख लिए, दोनों डिपार्टमेंट का हम लोग के पास सेल आ गया कि कितने का यहाँ पे दोनों में सेल हो रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे ट्रांसफर वाला पार्ट, ऐड क्या कर देंगे ट्रांसफर वाला पार्ट। तो ट्रांसफर हम लोग के पास कितना कितना हो रहा था, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, जो ट्रांसफर हो रहा था वो ट्रांसफर परचेज वाला गुड्स का तो हम लोग को कुछ करना नहीं है, क्यों नहीं करना है परचेज वाला गुड्स को, तो क्योंकि परचेज वाला जो था उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे जो अनरियलाइज ये हम लोग के पास जो परचेज वाला गुड्स था उसे हम लोग वैल्यूएशन जो किए थे उसे किस चीज़ पे वैल्यूएशन कर रहा था, यहाँ पे जो कर रहा था उसे वैल्यूएशन वो परचेज वाले को कॉस्ट पे कर रहा था वैल्यूएशन, तो कॉस्ट पर जैसे ही कर रहा था तो उसमें तो प्रॉफिट अनरियलाइज प्रॉफिट तो चांस ही नहीं है ना। यहाँ पे देखिए जो ट्रांसफर हो रहा था परचेज वाला गुड्स, यहाँ पे परचेज वाला गुड्स ट्रांसफर हो रहा है ना, तो इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा अनरियलाइज प्रॉफिट, क्योंकि इसे कॉस्ट पे ही ट्रांसफर हो रहा था, बट ये जो फिनिश गुड्स जो ट्रांसफर हो रहा था उसे 20% पर ट्रांसफर कर रहा था, 20% पर ट्रांसफर हो रहा था ना, तो ये जो 20% पर ट्रांसफर हो रहा था तो इसे हम लोग को कंसीडर करना है। तो हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे जो सेल हुआ था पहले सेल को लिख दिए, फिर जितना ट्रांसफर हो रहा था तो ट्रांसफर सबसे पहले ए वाले में कितना हो रहा था, तो 35,000 कर रहा था, बी कितना कर रहा था तो 40,000 कर रहा था, तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 35,000 ये आ गया ए वाला, और बी वाला कितना था, तो यहाँ पे बी वाला जो था वो कितना था, ये तो 35,000 और ये था हम लोग के पास 40,000 का, तो यहाँ पे चले लिखते हैं हम लोग 40,000। इस तरह से हम लोग को पास पता चलेगा कि ये कितना कितना यहाँ पे सेल किया या ट्रांसफर किया, मतलब सेल ट्रांसफर दोनों मिला करके यहाँ पे कितना में किया। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, एक बार मैं फिर से आप लोग को बता दूँ, सिंपली हम लोग जो पहला काम किए थे वो बना लेते जो डिपार्टमेंट अकाउंट था अलग अलग करके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। दूसरा हम लोग कंसोलिडेट बना रहे, तो उसके लिए हम लोग को स्टॉक रिजर्व निकालना है। स्टॉक रिजर्व के लिए हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं जो डिपार्टमेंट ए है प्लस में डिपार्टमेंट बी है वो कितना कितना ट्रांसफर किया है प्लस में सेल किया, मतलब सेल प्लस में ट्रांसफर मतलब कितना बाहर गुड्स भेजा है, तो ये हम लोग देख लिए। इसमें कितना हो गया, यहाँ पे 140,000 करेंगे प्लस करेंगे 35,000, तो यहाँ पे जो ई सेल जो किया है प्लस में ट्रांसफर दोनों मिला करके वो कितना हो गया, तो यहाँ पे 170
5,000 का ये बेचा है, प्लस में ये ट्रांसफर किया है, और इसमें जब देखेंगे तो 1,12,000 प्लस करेंगे 40,000, तो हम लोग के पास जो आ गया ये कितना आ गया, यहाँ आ गया 152,000 का। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसमें से हम लोग के पास रिटर्न आ गया था, जो ट्रांसफर वाला था वो रिटर्न आ गया था, तो यहाँ पे माइनस क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न कितने का रिटर्न आ गया था, तो यहाँ पे ए का जो रिटर्न हम लोग के पास था वो कितने का रिटर्न था, तो यहाँ पे रिटर्न जो था हम लोग के पास, जो ए के पास रिटर्न आ गया था वो हम लोग के पास जो है ये रहा 7,000, ए के पास 7,000 से रिटर्न आ गया था ना, और जो बी के पास आया था रिटर्न वो कितने से आया था, 10,000 से रिटर्न आ गया था। ए जो था उसके पास कितने का गुड्स फिर से आ गया, देखिए बेचा कितना था, तो बेचा था यहाँ पे 1,40,000 जिसमें प्रॉफिट कमा रहा था, और एक था यहाँ पे 35,000 जो ट्रांसफर किया था उसमें भी प्रॉफिट कमा रहा था, तो दो तो प्रॉफिट का पार्ट हो गया ना इसमें, बट इस वाले प्रॉफिट पार्ट में से जो रिटर्न आ गया वो कितना आ गया, तो 7,000 यहाँ पे एक आ गया और जो बी का था वो कितना आ गया, 10,000 आ गया, तो हम लोग इस दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो माइनस चलिए करते हैं यहाँ पे किसको, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग माइनस करेंगे 7,000 था ना, कितना था यार, हाँ 7,000, उसके बाद था 10,000, तो हम लोग 7,000 को माइनस करेंगे, यहाँ भी हम लोग 10,000 को माइनस करेंगे, तो हम लोग के पास एक्चुअल में पता चल जाएगा कितना ट्रांसफर प्लस में सेल हो गया जिसमें प्रॉफिट का पार्ट है, तो हम लोग देख लेते हैं कितना हो जाता है। तो ये आ गया 175,000, इसमें से अगर 7,000 माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास नेट जो ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांसफर प्लस में सेल, तो ये आ गया 168,000 का, और यहाँ भी हम लोग के पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 142,000 का, ये हम लोग के पास क्या आ गया, नेट सेल एंड ट्रांसफर, नेट सेल एंड ट्रांसफर जिसमें प्रॉफिट इंक्लूड था, जिसमें प्रॉफिट इंक्लूड था, हम लोग बार बार मैं आप लोग को ये फोकस करा रहा हूँ कि जिसमें प्रॉफिट होगा उसी में अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया, तो ये हम लोग के पास पता चल गया कितने का सेल हुआ कितने का ट्रांसफर हुआ, जो प्रॉफिट वाला पार्ट था उसमें से कितने का पास यहाँ पे रिटर्न आ गया, ए को प्लस में कितने का बी का रिटर्न आ गया, और रिटर्न हम लोग देखे थे कि एक्चुअल में कितना ए को आ रहा है प्लस में, बी को कितना यहाँ पे रिटर्न आ रहा था, हम लोग के पास नेट सेल एंड ट्रांसफर वाला पार्ट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब इससे हम अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो चलिए हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, यहाँ पे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम लोग लिखते हैं, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकालने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसका देख रहे हैं, तो हम लोग प्रॉफिट वाला पार्ट का देख रहे हैं, और जो हम लोग के पास कॉस्ट में ट्रांसफर है तो उसमें तो प्रॉफिट कुछ होता ही नहीं है, ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, देखिए जो सेल पार्ट है उसमें ही प्रॉफिट होगा, कॉस्ट वाले पार्ट में तो प्रॉफिट नहीं होगा, तो जो हम लोग के पास कॉस्ट वाला ट्रांसफर था उसे हम लोग नहीं लिए, जो सेल वाला प्लस में ट्रांसफर वाला था जिसमें प्रॉफिट था उसमें ही हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग के पास जो था वो कितना था, तो सबसे पहले जो है ए के लिए 38,500 और बी के लिए कितना है 46,000, तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे, 38,500 ये रहा हम लोग के पास 38,500 और यहाँ है 46,000, इसमें हम लोग जो हम लोग के पास यहाँ पे टोटल सेल हो गया प्लस में ट्रांसफर दोनों जिसमें प्रॉफिट वाला पार्ट था, एक तरह से मान लीजिए सेल जो ट्रांसफर है उसे मान लीजिए सेल, यहाँ पे डिवाइड करेंगे सेल से, तो हम लोग के पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज, इसमें भी आ जाएगा 142,000 इंटू करेंगे 100, तो हम लोग के पास जो प्रॉफिट का जो आ जाएगा परसेंटेज वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 38,500 डिवाइड करेंगे 168,000, तो जो पार्ट आ गया इंटू करेंगे 100, तो हम लोग के पास आ गया 22.917 कर सकते हैं, या 916916 अगर राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे, नहीं तो 917 हम लोग के पास आ जाएगा राउंडिंग ऑफ करने के बाद, तो जैसे भी आप लोगों को लिखना लिख सकते हैं, और इसमें आ जाएगा 46,000 डिवाइड करेंगे 142,000 इंटू 100, तो हम लोग के पास आ गया 32.394 32.394% हम लोग के पास क्या आ गया, तो ये आ गया रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट तक में आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे हम लोग किए हैं, तो सबसे पहला हम लोग के काम जो था वो हम लोग ट्रेडिंग कॉइन बनाए थे, सिंपली बनाए थे, उसमें कुछ भी नहीं था, दूसरा कंसोलिडेटेड हम लोग बना रहे थे उसमें हम लोग ट्रांसफर वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारा लिख दिए थे। अब हम लोग को यहाँ पे स्टॉक रिजर्व निकालें, उसके लिए हम लोग देखें कि सेल प्लस में ट्रांसफर जो प्रॉफिट वाला पार्ट था वो कितना है, उसके बाद हम लोग इसका रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालें सिंपली, तो हम लोग के पास रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे देख लीजिए इस वाले पार्ट को आप लोग अच्छे से क्या बोला, फिनिश गुड्स के बारे में, यहाँ पे फिनिश गुड्स एट डिपार्टमेंट मार्केट प्राइस एंड दैट 20% ऑफ द फिनिश गुड्स क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना परसेंट यहाँ पे फिनिश गुड्स है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 20% जो स्टॉक का है वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है 20%। ये चीज आप लोग को फिर से देख लीजिए, जो स्टॉक हम लोग के पास गिवन है उसका यहाँ पे 20% है वो ट्रांसफर वाला हम लोग के पास है, एट ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेड फिनिश गुड्स रिसीव फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट। देखिए यहाँ पे देखिए ये वाली पार्ट देख लीजिए, जो हम लोग के पास यहाँ पे जो स्टॉक दे रखा हुआ, हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हुआ है ना, इस वाले जो हम लोग के पास यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हुआ है, सबसे पहले परचेज गुड्स, तो इसमें तो हम लोग को कुछ करना ही नहीं है, क्यों नहीं करना है, इसमें प्रॉफिट नहीं है। जो फिनिश गुड्स है इसमें प्रॉफिट भी है,
सम्स में हम लोग के पास बोला था कि इसमें प्रॉफिट भी पर यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। तो इस वाले फिनिश गुड्स में हम लोग के पास क्या बोला कि 20% ऑफ द फिनिश स्टॉक जो क्लोजिंग है, 20% जो हम लोग के पास क्लोजिंग है, ये क्या चीज़ का है, तो एट ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट फिनिश गुड्स रिसीव फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट। तो इसका जो 20% होगा, जो हम लोग के पास फिनिश गुड्स यहाँ पे जो स्टॉक दे रखा हुआ है, इसका जो 20% होगा वो क्या होगा, दूसरे डिपार्टमेंट से रिसीव हुआ होगा। 24,000 प्लस में 14,000 जो इसका स्टॉक है वो क्या होगा, तो ये दूसरे डिपार्टमेंट से यहाँ पे रिसीव हुआ होगा। यही चीज़ है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को कि ये जो स्टॉक हम लोग के पास दे रखा है 24,000 प्लस में 14,000, देखिए स्टॉक जो हम लोग के पास हो गया, अगर देखा जाए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जिसमें प्रॉफिट होगा वो वाला पार्ट, ऑब्वियस बात हम लोग परचेज का बात नहीं कर रहे क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं है। हम लोग के पास जो है डिपार्टमेंट कौन कौन सा था, डिपार्टमेंट ए था प्लस में बी था, यहाँ पे ए हो गया प्लस में यहाँ पे बी हो गया। तो इसका जो क्लोजिंग स्टॉक था ये कितना था, 24,000 था जो डिपार्टमेंट ए का था, प्लस में जो था यहाँ पे डिपार्टमेंट बी उसका कितना था, तो यहाँ पे 14,000 क्लोजिंग स्टॉक जो है 24,000 किसका, डिपार्टमेंट ए का, और यहाँ पे 14,000 किसका है, डिपार्टमेंट बी का। अब इसमें इस लाइन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए और मैं फिर से समझा देता हूँ कि 20% जो यहाँ पे फिनिश गुड्स का स्टॉक है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कि ये दूसरे डिपार्टमेंट से यहाँ पे आया है। तो अगर दूसरा डिपार्टमेंट का अगर इसमें स्टॉक देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 20% यहाँ पे स्टॉक फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट का यहाँ पे जो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर स्टॉक फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट वो कितना हो जाएगा, 20% इसका दे रखा हुआ है, तो इसका 20% हो जाएगा, इसमें भी 20% हो जाएगा, तो इसका जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये अमाउंट हम लोग के पास जो आ जाएगा जो दूसरे डिपार्टमेंट से ट्रांसफर होकर के। तो यहाँ पे 24,000 का अगर हम लोग 20% करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो 48,100 सॉरी, और इसमें भी हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये 14,000 का 20%, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया 2,800। तो ये हम लोग के पास इस केस में 2,800 हो गया जो दूसरे डिपार्टमेंट से यहाँ पे ट्रांसफर होकर के आया है। मतलब ये जो स्टॉक है ए के पास में जो 4,800 का स्टॉक है वो कैसे है, जो क्लोजिंग स्टॉक था उसका 20% दूसरे डिपार्टमेंट से आया था, मतलब कौन से डिपार्टमेंट से आया था, तो यहाँ पे बी से। तो जो बी से स्टॉक यहाँ पे ए को आया है, जो बी से यहाँ पे ए को आया है वो कितना है, तो ये हम लोग के पास 4,800। इसी तरह से जो यहाँ पे ए से जो हम लोग के पास यहाँ पे ए दे रखा हुआ है, ए से जो यहाँ पे बी के पास स्टॉक आया है जो यहाँ पे फिनिश गुड्स यहाँ पे ट्रांसफर करके आया था, उसका जो स्टॉक है इसमें वो कितना है, तो यहाँ पे 2,800। तो ये हम लोग के पास दोनों ही डिपार्टमेंट का आ गया, क्या चीज़ आ गया कि बी से जो यहाँ पे ट्रांसफर होता है उसका स्टॉक इसमें कितना है, प्लस में ए से जितना ट्रांसफर होता है उसका स्टॉक कितना है। तो जो अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट में होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट का रेशियो हम लोग के पास गिवेन है, तो उस रेशियो से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग के पास क्या जाएगा, यहाँ पे कितना अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो ए के केस में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ए के केस में देख लीजिए जो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हो गया, तो यहाँ पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन ए स्टॉक, यहाँ पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन ए स्टॉक, ए के स्टॉक में कितना अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो यहाँ पे देखिए बी से आया, बी से कितना आया, तो 4,800 का स्टॉक बी से आया, तो बी का बी से जो आया तो बी चार्ज क्या होगा प्रॉफिट, तो बी का जो यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना है, देखिए बी से जब ही आ रहा है यहाँ पे स्टॉक तो बी चार्ज करेगा ना प्रॉफिट ना कि ए, तो बी का जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो कितना था, यहाँ पे 32.394, यहाँ पे इंटू कर देंगे हम लोग 32.394। ए वाला जो स्टॉक है वो बी से आया तो इसलिए हम लोग बी के प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करें, जो भी हम लोग के पास प्रॉफिट का रेशियो निकालें उससे, इस केस में आ जाएगा 4,800 इंटू करेंगे 32.394%, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग के पास 1,555 राउंडिंग ऑफ करने के बाद, यहाँ पे 1,555। इसी तरह से यहाँ पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन बीज स्टॉक, तो यहाँ पे बी के स्टॉक में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है, तो बी का स्टॉक जो था वो कितना था यहाँ पे जो ए से आया, तो यहाँ पे 2,800 का, तो यहाँ पे 2,800 ए से आया, तो ए चार्ज करेगा इस पे प्रॉफिट, तो ए का प्रॉफिट का रेशियो कितना है, तो ये हम लोग के पास 22.916, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 22.916 से, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 2,800 इंटू करेंगे 22.916%, तो ये हम लोग के पास आ गया 641। एक में राउंडिंग ऑफ किए थे तो हम दूसरा में इसलिए राउंडिंग ऑफ हम लोग नहीं किए, 641 हम लोग के पास क्या आ गया, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो बी के स्टॉक से हम लोग के पास आ गया था, ठीक है। तो 641 प्लस में 1,555, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, जो स्टॉक रिजर्व था इसमें हम लोग के पास जो हो गया ये कितना हो गया, तो 1,555 इसमें ऐड कर देंगे 641, तो हम लोग के पास जो स्टॉक रिजर्व आ जाएगा वो आ जाएगा 641 प्लस में 1,555, ये है 2,196, चलिए लिखते थे 2,196। अब हम लोग के पास एक्चुअल में प्रॉफिट आ जाएगा जो ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, इसे क्लोज करके आप लोग सिंपली क्या कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 252
थाउजेंड प्लस में यहाँ पे 10 500 प्लस करेंगे 38,000, तो हम लोग के पास कितना आ गया था यहाँ पे 3,05,000। तो यहाँ पे 3,00,500, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3,00,500, इसमें माइनस कर दें 32,000, फिर माइनस कर देंगे 160,000, फिर माइनस कर देंगे 20,000, फिर माइनस कर देंगे 4,000, फिर माइनस करेंगे 2,196। तो ये जो आ गया हम लोग के पास प्रॉफिट, ये आ गया 82,304 का, ये हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और इसी के साथ ये सम्स भी कंप्लीट हो गया। एक बार मैं क्विक रिकैप करा देता हूँ इस सम्स। देखिए सिंपली हम लोग ट्रेडिंग कॉर्न बनाए थे उसमें कुछ भी हम लोग के पास लोचा नहीं था, ठीक है। जब हम लोग कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग कॉर्न बनाते हैं तो उस केस में हम लोग को क्या निकालना होता है, तो हम लोग के पास स्टॉक रिजर्व मतलब डेट इज अनरियलाइज प्रॉफिट हमको निकालना होता है। अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या किए कि कितना यहाँ पे प्रॉफिट मतलब कितना नेट सेल हुआ या ट्रांसफर हुआ, नेट सेल एंड ट्रांसफर जिसमें प्रॉफिट का पार्ट इंक्लूड था, तो हम लोग सेल का देख लिए। फिर ट्रांसफर जो देखे थे, जो फिनिश गुड्स वाला हम लोग के पास ट्रांसफर था, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो फिनिश गुड्स का ट्रांसफर था उसका हम लोग देख लिए क्योंकि उसमें प्रॉफिट इंक्लूड था। फिर जो फिनिश गुड्स का यहाँ पे रिटर्न हुआ था हम लोग नेट करके यहाँ पे देख लिए, नेट कितना सेल प्लस में ट्रांसफर था। उसके बाद हम लोग के पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो आ गया जो ए का प्लस में बी का। फिर सम्स में हम लोग के पास बोला था जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका यहाँ पे 20% जो था वो दूसरे डिपार्टमेंट से आया था, तो जो ए का स्टॉक था 24,000 उसका 20% कितना हो गया 4,800, जो किससे आया बी से आया। तो इस 4,800 में बी चार्ज करेगा प्रॉफिट, ना कि ए। बी से पैसा हम लोग जी बी से हम लोग के पास खरीद के लेके आ रहे हैं, तो बी चार्ज करने ना प्रॉफिट, हम लोग तो चार्ज नहीं कर लेंगे उससे प्रॉफिट, जो बेचेगा हमको वही चार्ज करेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका जो हम लोग के पास दे रखा था बी का प्रॉफिट का रेशियो दे रखा था ग्रॉस प्रॉफिट का, उससे मल्टीप्लाई किए। फिर हम लोग के पास जो दूसरा था उसमें मल्टीप्लाई किए, और उसके बाद सिंपली हम लोग के पास जो स्टॉक रिजर्व था वो लिख करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाली। और इसी के साथ ये सम्स भी कंप्लीट हो गया जो हम लोग के पास थे इलस्ट्रेशन नंबर 4। और ये सम्स अच्छा सम्स है, चांस है तो आप लोग अच्छे से रिवाइज, ठीक है।